नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। भारत और चीन के बीच जो टकराव की स्थिति कई हफ्तों से बनी हुई है, उस तस्वीर में अब नया बदलाव आया है। यानी कि भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो आपस में टकरा गई। इस बात की पुष्टि चीन के अखबार में काम करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने की है। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच जो स्थिति बनी हुई है, जो टकराव की स्थिति हुई है, उस टकराव में भारी नुकसान चीन को भी हुआ है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गलवान घाटी में तनाव की स्थिति अब भी बनी हुई है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। दूसरी तरफ भी बड़ी संख्या में चीनी सेना के सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसको लेकर चीनी सेना ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार ने सोशल साइट पर जानकारी शेयर की है। उनके मुताबिक चीनी पक्ष को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस तरह की घटना पिछले कई दशकों में देखने को नहीं मिली है। 1975 में चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा में पेट्रोलिंग कर रहे असम राइफल्स के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से दोनों पक्षों में धक्का मुक्की की खबरें तो आती रहीं, लेकिन किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 1975 के बाद से ये पहली बार है जब गलवान घाटी में चीन और भारत के जवानों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में जान माल का नुकसान हुआ है। इस घटनाक्रम को समझने की जरूरत है। चीन गलवान घाटी में सड़क बनाने का विरोध कर रहा है, क्योंकि सामरिक और राजनीतिक रण क्षेत्र में भारत की सड़कें चीन पर दबाव बनाने के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं। गलवान घाटी वो इलाका है जिससे चीन पर सीधे तौर पर नजर रखी जा सकती है। ऐसे में चीन नहीं चाहता है कि भारत गलवान घाटी में निर्माण कार्य करे। इसके पीछे एक कहानी और है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो गलवान घाटी के करीब से गुजरता है। ऐसे में गलवान घाटी तक भारत की पहुंच होने से चीन के इस पास को भारत चोक कर सकता है। इसी डर से चीन भारत के गलवान घाटी में सड़क निर्माण का विरोध कर रहा है। जब से चीन और भारत आमने सामने आए हैं, उससे पहले से दुनिया चीन से नाखुश दिखाई दे रही है। अमेरिका भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, और लगातार चीन के साथ बढ़ते टकराव को देखते हुए भारत अमेरिका और इजराइल के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है, ताकि युद्ध की स्थिति में दोनों देशों से हथियार, गोला और बारूद की जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। वैसे भी चीन को कोरोना संक्रमण को लेकर दुनिया लगातार कोसने का काम कर रही है। भारत में भी चीन के खिलाफ लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग चीनी सामान का बायकॉट इसलिए भी करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय लोगों को लगता है कि चीन भारत से पैसा कमाकर भारत को ही आग दिखा रहा है। ऐसे में कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ने चीनी सामान के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के अपने राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 500 से ज्यादा वस्तुओं को शामिल किया गया है। इस अभियान के साथ कैट ने अनुमान लगाया है कि 2021 तक चीन के आयात में $13 बिलियन की गिरावट आएगी, यानी कि चीन को 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना होगा। दरअसल कैट ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट, किचन का सामान, लगेज, हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन अपैरल, खाद्यान्न, घड़ियां, जैम एवं ज्वेलरी, वस्त्र, स्टेशनरी, कागज, घरेलू वस्तुएं, फर्नीचर, लाइटिंग, हेल्थ प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट्स, यार्न, फेंग शुई आइटम्स, दीवानी और होली का सामान, चश्मे, टेपेस्ट्री, मटेरियल को शामिल किया गया है। यानी कि भारत अब चीन से इन सामानों को नहीं खरीदेगा, जिससे आने वाले समय में चीन को आर्थिक तौर पर भी बड़ा घाटा होगा, जो आने वाले समय में लगातार बढ़ता जा सकता है। वैसे चीन लगातार कह रहा है कि भारत के साथ चीन समझौता करने को तैयार है, लेकिन चीन अपनी डील को समझौते के आगे रखने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी देशों के जरिए भारत पर दबाव बनाने की भी चीन की रणनीति रहती है। वैसे आज का भारत इस बात को साफ कर देने की कोशिश में है कि जिन इलाकों को भारत अपना मानता है, उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अपनी जमीन की सुरक्षा को लेकर लगातार काम भी कर रहा है, जो चीन को रास नहीं आ रहा। वैसे चीन को यह समझना होगा कि भारत के साथ टकराने से उसको क्या मिलेगा, भारत के साथ जो स्थितियां बनी हुई हैं वो क्यों बनती जा रही हैं, और अचानक से भारत के साथ टकराने की स्थिति में चीन क्यों आ गया है। इस बात को समझने के लिए
आपको आने वाले समय में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा और ये बताने की भी कोशिश करूंगा कि ये स्थिति क्यों हुई है। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को लेकर सामने आऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये स्थिति क्यों बनी है जो आज भारत और चीन, जो कभी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो चीजें देखने को मिलती हैं अक्सर, वो भारत और चीन के बीच अब दिखाई देने लगी हैं। इससे पहले 1975 में ऐसी स्थिति बनी थी जब भारत के जवानों पर हमला चीन के जवानों ने किया था, उसमें कई जवान शहीद हो गए थे। नमस्कार।